उधमपुर में हरियाली के बावजूद ज्यादातर इलाकों में कृषि के लिए सिंचाई के पानी की कमी बनी रहती है। इसे देखते हुए संगठित वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम महकमे यानी IWMP उधमपुर ने एक नई पहल करते हुए घंटवाल गांव में बंजर हो रही जमीन को उपजाऊ बनाने का एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया। महकमे की तरफ से वहां के किसान अशोक के खेतों को सिंचाई की सहूलियत हासिल करवाने के लिए नजदीक के नाले के पानी की धारा को मोड़कर और बरसात में छत पर गिरने वाले पानी के इस्तेमाल के लिए वहां घर के नजदीक ही एक तालाब विकसित करके दिया, जिससे उन्हें हर मौसम में पानी हासिल होने लगा। महकमे ने पूरे गांव में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के तहत गांव के 21 दूसरे घरों को अपनाया गया और उन सभी घरों में ऐसे ही प्रोजेक्ट कायम किए। माहिर इंजीनियर और तकनीशियन की तरफ से घर की छत पर एक ढांचा तैयार किया गया और नजदीक के नाले के पानी की धारा को मोड़ा गया। इससे बरसात में बारिश का जो पानी नाले में बाढ़ की वजह से और घरों की छतों पर गिरने के बाद बेकार में बह जाता था, उसे घर के निकट ही बनाए गए एक छोटे से तालाब में जमा किया जाता है। इन सभी तालाबों की सतह को पक्का नहीं किया गया है ताकि जमीन के नीचे पानी की सतह पर कोई असर ना पड़े। तालाब बन जाने के बाद सभी ग्रामीणों ने फल, सब्जियां और फूलों की काश्त शुरू कर दी है। अब ये ग्रामीण अपनी जमीन पर होने वाली पैदावार को बेचकर हजारों रुपए की आमदन हासिल कर सकते हैं। इस तरह महकमे ने प्रधानमंत्री के कैच द रेन मंत्र को साकार रूप देने के लिए जो मेहनत की है, उसके नतीजे सबके लिए उत्साह बढ़ाने वाले हैं।